हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अमित पाल। हमारी गाय की डिलीवरी हो चुकी है। मैं गया था घेर में चाचा जी के एनिवर्सरी में, और मुझे वहीं पर फ़ोन आया कि गाय की डिलीवरी होने वाली है, जल्दी घर आ जाओ। फिर घेर से घर आया तो गाय की डिलीवरी होने वाली थी। गाय की डिलीवरी मेरे आगे हुई। को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मम्मी, छोटा भाई और मैं और पापा जी, हम चलो थे गाय की सेवा करने में, देखभाल करने में। देख सकते हैं आप कि गाय बच्चे जो है मेरे को मैं साफ कर रहा हूँ, छोटा भाई साफ कर रहा है, मम्मी और मामी नीचे झाड़ू लगा रही हैं, जो गंदा पानी आया था वो साफ करिए वहाँ से, और गाय के नीचे सूखा कर रही है। देखिए गाय बछिया, आप देख सकते हैं ये बछिया है। गाय बहुत काल हो रही थी, कभी इसका लाड कर रही थी, कभी से मार रही थी। देखिए जुझगार रही है, और मम्मी ने जो राख होती है चूल्हे की राख गिरी है गाय के नीचे, जिससे कि सूखा हो जाए पैना रिपटे गाय के बछिया के। पापा जी दे रहे हैं इसे बिनौले और गुड़, जिससे कि तो जेर होती है, जेर जल्दी डाल दे। और हमारे घर में इतने दिनों बाद दूध आया है, खुशी का ठिकाना नहीं हमारा भी कि अब जो हमारा दूध मिलाएगा। पिछले भी हाथ में इसने पहले दोबारा गेर जगह 7 महीने की नहीं, इससे दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा। बच्चे उठने का प्रयास कर रहे हैं तो छोटा भाई से उठा रहा है, देखे पर उसके पैर नहीं जम रहे, क्योंकि इसके पैर में अभी इतनी शक्ति नहीं है, यानी कि ताकत नहीं है अभी कि सही से खड़ी हो जाए। थोड़ी बहुत देर में इसके पैर जब नॉर्मल हो जाएगी, सही अच्छे तरीके से अपने आप ही उठ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। अभी तो छोटा भाई सारा दे रहा है, जिसकी वजह से खड़ी हो रही है। गाय का गोबर है, बच्चे को ठंड भी लग रही थी और बहुत अधिक कांप रही थी। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी एक चादर थी जो मैंने इसके ऊपर बांध दी थी, जिससे कि उसके शरीर में गर्माहट बन जाए और वह फिर अच्छी हो जाए, और शरीर में उसकी ताकत भी आ जाएगी, जिससे कि वह खड़ी हो सके अच्छी तरीके से। ये कुछ कुछ सहारा कर रही है जिससे कि वह खड़ी हो जाए, लेकिन इतना सहारा नहीं कर पा रही कि अपने आप खड़ी हो जाए। तो मैंने फिर से जो बोरी थी बोरी पे लिटा दिया इसके ऊपर चादर बांधने के बाद, और गाय देखिए कितना लाड़ कर रही है इसका। माँ तो आखिर माँ होती है, जितना लाड़ माँ कर सकती है इतना लाड़ कोई नहीं कर सकता। माँ की ममता तो निराली है, देखिए कैसे चाट चाट कर इसका लाड़ कर रही है। देखिए अब नॉर्मल स्थिति में खड़ी हो चुकी है और दूध पीने की कोशिश कर रही है कि मुझे दूध मिल जाए। देखिए जैसे थनों पर खड़ी हो, इसे जरा सी देर में पता लग गया कि मुझे भी दूध पीना है, इसे भूख लग रही थी, इसलिए बार बार गाय के आगे जाकर जैसे थनों में दूध निकलता है ऐसे मार रही थी अपना मुँह कि मुझे दूध दे दो। और मम्मी को मैंने बोल दिया था कि इसके लिए भी थोड़ा दूध गर्म कर लो, इसे बच्चे को दूध पियाएंगे। तो मम्मी बोल रही थी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद इसे दूध देंगे गर्म करके, क्योंकि हम दूध तो अभी मोली मंगाते हैं कि 4 साल बाद हमारे यहाँ दूध हुआ है। जा रही दूध पीने ग्राम की जा रही।
फंसे देखे। अब आप देख सकते हैं कि अपने आप खड़ी हो गई है। अब इसके पैरों में ताकत आ चुकी है जिससे ये खड़ी हो रही है। और दूध पीने का प्रयास कर रही है कि दूध मिल जाए मुझे। गाय को ठंडा लगे इसके लिए इसके उसको भी दरी उड़ा दी है मोटी सी, क्योंकि रात में गर्माहट बनी रही है क्योंकि ठंड का मौसम ज़्यादा है, जिससे गाय को ठंडा लगे और ये स्वस्थ रहे। डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ध्यान रखना क्योंकि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम कह नहीं सकते। बहुत खुश है हम कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। मेरे से राजेंद्र बाबा दूध काटने के लिए आए थे सुबह 5:30 बजे के आसपास। मैंने उनको फ़ोन किया था कि गाय हमारी गाय की डिलीवरी हो गई है, आप उसका दूध आ काट दीजिए, क्योंकि पहले पहले दूध हाड़ निकलता है गाय के थनों की कील निकलती है कि जिससे कि दूध अच्छा निकले। कील काटने के लिए तो राजेंद्र बाबा आते हैं या फिर राजू बाबा जी आते हैं, दोनों में से एक आते हैं घर में से ही। तो राजू बाबा की तबीयत ख़राब थी तो वे नहीं आ सके, इसलिए राजेंद्र बाबा जी आए और उन्होंने आके दूध निकाला। तो बाबा जी ने दूध निकालना शुरू कर दिया है गाय का पहला दूध। गाय का पहला दूध हम तेताव पे चढ़ाते हैं, उसके लिए बाबा जी ने पहले ही थोड़ा दूध अलग से निकाल दिया था, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कि देताओं पर जाकर कैसे दूध चढ़ाते हैं आप अपने अगले वीडियो में। तो राजेंद्र बाबा जी ने दूध काटा था। दूध काटने के बाद दोबारा फिर बच्चियाँ छोड़ दी थी, और बच्चियाँ छोड़ने के बाद बाबा जी बोल रहे थे कि इसके ठंड दो देना गर्म पानी से, बच्चे दूध पी लेगी। मैंने इनको बोल दिया मगर ठीक है जी मैं दो दूंगा। मम्मी इस टाइम सो रही थी क्योंकि वह पूरी रात जागी है, इसकी डिलीवरी 9 बजे हो गई थी, रात को 9 बजे हुई थी, और ये इन्होंने 5 बजे के आसपास गिरी। फिर बाबा जी आए दूध काटने के लिए 5:30 बजे। आओ चाचा चल दिए हैं घर के लिए दूध काटने के बाद। जब भी सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं फिर गायों का और भैंस का दूध निकालते हैं और फिर खेत में जाते हैं, इन्हें भी बहुत काम होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।